असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू इन्फीनट प्लस आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे तमाम पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री डे स्टूडेंट हमारा एक डेफिनेशन से भी गुजारा हो सकता है लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यानी कि डिफरेंट ऑथर्स की एक थिंकिंग आ जाए तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट डिवेल्प होगा पहले हम डिस्कस करते हैं पहली डेफिनेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है हम कहेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री डी ब्रांच ऑफ ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस तो स्टूडेंट ये हमारी पहली डेफिनेशन है डिफरेंशियल ज्योमेट्री को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है डीजी या डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी द स्पेस कर्व एंड सर्विस बाय द मीन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस डे स्टूडेंट आपको पता है आपने कर्व के बारे में भी सीख लिया है कि कर्व बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स की मूवमेंट है या पोजिशन वैक्टर की मूवमेंट है जो कि फिक्स कंडीशन के थ्रू मूव कर रहे होते हैं यानी अगर वो डिपेंड कर रहे हैं फिक्स पैरामीटर या सिंगल पैरामीटर पर अच्छा हम डिफरेंशियल कैलकुलस के भी बारे में जानते हैं जो स्टूडेंट डिफरेंशियल कैलकुलस में हम बेसिकली स्टडी करते होते हैं डायरेवेटिव की इंटीग्रल्स की यानी कि हम हमारे पास जो कर्व्स गिवन होंगी ये जो सर्फिस गिवन होगी अगर हम उनकी मूवमेंट मूवमेंट बेसिकली हमारे पास कैलकुलस कहलाती है कैलकुलस नाम है चेंज का यानी कि अगर हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बेसिकली अगर हम ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे मूवमेंट के लिहाज से बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल दैट इज कॉल्ड टू बी डिफरेंशियल ज्योमेट्री इसके अलावा हमारे पास डेफिनेशन है इसकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज स्टडी ऑफ ट्रिक फिगर्स मैथड ऑफ कैलकुलस या इन स्पेसिफिक आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ सर्फिस एंड कर्व इन थ्री डी या स्टडी ऑफ सर्फिस सर्फिस एंड कर्वस इन थ्री डी ओके अब सर्फिस क्या होती है डे देख स्टूडेंट देखें हमारे पास uh, सर्फिस आप यूं समझ लें मेरे पास ये दो कर्व्स हैं जब आप कंबिनेशन ऑफ कर्व्स लेते हैं या कलेक्शन ऑफ कर्व्स इज कॉल्ड टू वे सर्फेस बेसिकली समाइम आपकी ये जो सर्फेसिस हैं ये भी हमें कर्व दे रही होती है इनशाला इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छा आप यहां पे एक और पॉइंट का इजाफा कर लें अगर आपकी डिफरेंशियल जोमेट्री जस्ट डिस्कस कर रही हो यहां पे इन पार्टिकुलरली देख लें अगर आप डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ पॉइंट्स यानी कि अगर डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आप कहते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट स्टडी ऑफ पॉइंट्स मतलब ये देखें ना एक मेरे पास कर्व आई अब आप इन पॉइंट इन पॉइंट पर इसकी मूवमेंट देखना चाहते हैं कि आपकी पर कर्व ने यहां से यहां तक कितनी चेंज ली है अगर आप स्टडी कर रहे हैं कर्व्स की इन पॉइंट्स पर तो इसको हम कहते हैं समॉल डिफरेंशियल ज्योमेट्री सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक सरफेस है और आप इसकी मूवमेंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं इसको कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री इन लार्ज यानी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री को बेसिकली हम कर्व्स पे भी डील करेंगे सरफेस पे भी डील करेंगे तो इसको हम कहेंगे स्मॉल स्मॉल स्केल की स्मॉल डिफरेंशियल ज्योमेट्री इसको कहेंगे हम लार्ज डिफरेंशियल ज्योमेट्री इंटीग्रल फॉर्म तो डियर स्टूडेंट इसकी ये और डेफिनेशन है जिसमें हमने ये कहा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कर्व एंड सरफेसेस इट रिप्रेजेंट द जोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चर इन टू द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म तो डेस्टूडेंट ये है इसकी डिफरेंट डेफिनेशन मैं आपको अगेन बता देता हूँ बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्रीज में हम कर्व्स को और सर्विसज को डिस्कस करते हैं अच्छा ये जो हम कर्व्स और सर्विसज को डिस्कस करते हैं हम इनमें हेल्प लेते हैं इंटीग्रल्स की डायरेवेटिवस की और साथ में लीनियर जबरा की ये याद रखिएगा ओके यानी हमारे पास इस डी को पढ़ने के लिए लीनियरजबरा का पता होना ज़रूरी है वेक्टर्स का भी पता होना ज़रूरी है कर्व का पता होना भी ज़रूरी है और सर्विसज़ का पता होना भी ज़रूरी है तो ये है स्टूडेंट इसकी चंद एक डेफिनेशन जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर कर्व्स और सर्विसज को डिस्कस करने वाले हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज